बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह स्मृति व्याख्यान के इस समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, ब्रह्मावर्त सनातन धर्म महामंडल के अध्यक्ष श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी, छत्तीसगढ़ मुख्य न्यायालय उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और इस कॉलेज के विजिटर श्री यतीन्द्र सिंह जी, सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में जब कुछ अधिक कहा जाए तो ऐसा लगने लगता है कि जिस प्रकार से एक वो क्षण भी आते हैं शोक सभा का आयोजन, और उस समय उस व्यक्ति के बारे में जो ना भी जानता हो, जिसको कभी ना भी किया हो, जो कि बहुत दूरी दूर तक भी ना हो, लेकिन लगता है कि नहीं नहीं जितनी भी प्रशंसा की जा सकती है कर लो ऐसे ही, लेकिन मैं उसके पीछे जो आपकी सद्भावना है उसका मैं सम्मान करता हूँ। इस क्षेत्र के सजग और विशिष्ट नागरिकों से भरे हुए इस सभागार में मुझे कई परिचित चेहरे बाहर भी मिले, यहाँ पर भी दिख रहे हैं। आप सबके बीच यहाँ आकर के मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे लिए ये कॉलेज, ये परिसर भी जाना पहचाना है। आज यहाँ के विधि भवन का लोकार्पण करके मुझे प्रसन्नता हुई है। इस अवसर पर बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह की स्मृति में इस व्याख्यान का आयोजन करने के लिए मैं सभी आयोजकों को बधाई भी देता हूँ। इस विद्यालय के बारे में, यद्यपि मैं यहाँ पर मैं शिक्षा हासिल करने का सौभाग्य नहीं मिला, वो BNST कॉलेज इसी महामंडल की एक जो दूसरी संस्था है, अच्छा विद्यालय था, वहाँ पढ़ाई की। उसके पश्चात मैं जो आगे की शिक्षा थी BCom और LLB वो DV कॉलेज से किया, लेकिन जब मैं BNST कॉलेज में था तो वो आज भी मेरी मेमोरी में यहाँ पर है। इस कॉलेज में एक पर्व मनाया जाता था जन्माष्टमी का, अब मुझे आज पता नहीं कि उसको मनाया जाता और किस लेवल पे मनाया जाता, लेकिन उस समय हम लोगों को भी आमंत्रित किया जाता था, BNSD कॉलेज के लोगों को, यहाँ के सब लोग आते थे और एक बहुत बड़ा हाल था। उस हाल में हम सब लोग बैठते थे, वो प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कुछ व्याख्यान होते थे, कुछ पूजा अर्चना, और ये सिलसिला चलता रहता था लगभग 12 बजे रात्रि तक, क्योंकि उनका जन्म ही 12 बजे होता है। और उसके पश्चात हम सब लोग एकत्रित इसलिए होते थे कि उसमें जो पंजीरी और उसके साथ में जो चरणामृत था, उसके लिए सही मायने में इतनी शायद हमें उस समय इतनी समझ नहीं थी कि हम श्री कृष्ण भगवान के जन्म को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन उस समय हम लोगों में कभी कभी होड़ भी लगती थी, और होड़ ये लगती थी कि जिसने एक बार ले लिया उसकी कोशिश रहती थी कि दोबारा फिर। लेकिन ये उस समय की सोच व्यक्ति में धीरे धीरे बढ़ती है। आज मैं महसूस करता हूँ ये चीज़ हमने शेयर की है आपसे, लेकिन इसका कहीं गलत अर्थ ये ना लगा लिया जाए कि मैं प्रारंभिक दिनों से भी इस प्रकार की चेष्टा करता रहा।
लेकिन उससे एक चीज झलक मिलती है कि समाज किस दिशा में जा रहा है। और हम सब लोग की स्वाभाविक एक वैज्ञानिक, जिसको ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं, वो उसी तरफ बढ़ता है, उसी तरफ बढ़ता है। परिवार वाले भी उसी के लिए प्रेरित करते हैं। जो कोई भी आपको मिलेगा, आपका इष्ट मित्र होगा, रिश्तेदार होगा, वो भी उसी दिशा में कि देखिए वो उस व्यक्ति का कितना विकास हो गया, वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, और किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुँचा, लेकिन वो दूसरे जो गैर शिक्षा से जुड़े हुए जो कुछ प्रचलन हैं उनके माध्यम से बहुत आगे तक पहुँच गया। और इस प्रकार की सोच पर मुझे लगता है कहीं न कहीं रोक लगाने की जरूरत हम सबकी जिम्मेदारी है। इस कानपुर क्षेत्र से जुड़ी अनेक विशेषताओं, यहाँ के इतिहास से जुड़े आजादी की लड़ाई के अध्याय विशेष गौरवशाली रहे हैं। नाना साहब और ताता टोपिए से लेकर चंद्रशेखर आजाद, गणेश शंकर विद्यार्थी, झंडा गीत लिखने वाले कवि श्यामलाल पार्षद ने निडरता, देश प्रेम और बलिदान के बहुत से ऊंचे आदर्श स्थापित किए। आज शायद हम कानपुर नगर से समीप एक कस्बा है नरवल, वहाँ पर ये पैदाइश हुई थी श्यामलाल पार्षद जी की, जिन्होंने गीत लिखा था झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। उस झंडे की सार्थकता मुझे लगता है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान थी उससे बढ़ चढ़ करके आज उसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। और इसीलिए मैंने एक बार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री जी एक ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में भी कानपुर नगर के समीप एक कस्बे में जो पैदा हुए थे श्यामलाल पार्षद जी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, वो पार्षद शायद उनको उपाधि दी गई थी, वो इस गीत के लिखने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया कि हम चलेंगे, सब लोग मिलकर के चलेंगे। पहले उनके गांव में जितना भी हम कुछ विकास कार्य करा सकते हैं वो करा लेते हैं, क्योंकि उनकी स्मृति को नमन करने का आज हमारे पास अन्य कोई साधन नहीं है इसके अतिरिक्त कि उनकी स्मृति को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए सरकार कुछ काम कर सके। वो क्षण भी आएगा। हमारी आजादी की लड़ाई और नव समाज के नव निर्माण में वकीलों की बहुत ही बड़ी भूमिका रही। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की बैरिस्टर से महात्मा बनने तक की यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गांधी जी की पीढ़ी से थोड़ा पहले ही वकालत शुरू करते हुए समाज को योगदान देने की सराहनीय परंपरा शुरू हो चुकी थी, जो उनकी पीढ़ी में और भी मजबूत हुई। राय बहादुर विक्रमाजीत सिंह, जिनकी स्मृति में ये कॉलेज संचालित है, भी गांधी जी की पीढ़ी के ही थे। उन्होंने भी वकालत, राजनीति और व्यापार से जुड़े रहकर समाज और संस्कृति को योगदान देने के लिए ब्रह्मावर्त सनातन धर्म महामंडल की स्थापना की। मुझे बताया गया है कि ये महामंडल 107 साल पहले स्थापित किया गया था। इसके तहत कई शिक्षण संस्थान खोले गए। मैं भी इस महामंडल द्वारा स्थापित और संचालित BNSD कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। इस महाविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय जी विद्यार्थी हुआ करते थे। मुझे बताया गया कि सन 1937 से 1939 तक इसी कॉलेज के छात्रावास में रहकर उन्होंने अपनी BA की पढ़ाई पूरी की और प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके राजनैतिक जीवन की बुनियाद इसी कॉलेज में उनके विद्यार्थी जीवन के दौरान पड़ी। आधुनिक भारत के चिंतन और राजनीति को एकात्मवाद, एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे आदर्शों से समृद्ध करने वाले दीनदयाल जी भारत की गौरवशाली संस्कृति के
एक महान प्रतिनिधि के रूप में अमर हुए हैं। उनका यहाँ का पूर्व छात्र होना इस महाविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं आशा करता हूँ कि इस कॉलेज में शुरू किए जा रहे 5 साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी और अन्य सभी संकायों के विद्यार्थी इस कॉलेज की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। कानून की पढ़ाई विद्यार्थियों को समाज को योगदान देने के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाती है। कानून और कानून से जुड़ी प्रक्रियाओं की सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ देश की न्याय व्यवस्था से जुड़े लोग भी उपस्थित हैं। ये सभी को मालूम है कि हमारे देश की व्यवस्था में जनसाधारण के लिए न्याय प्रक्रिया लंबी, जटिल और महंगी होती जा रही है। देश की न्याय व्यवस्था से जुड़कर मैंने भी गरीब लोगों के न्याय पाने के संघर्ष को नज़दीक से देखा है। न्यायपालिका ही सबका सहारा होती है। गरीबों के लिए न्याय प्रक्रिया में होने वाले विलंब का बोझ बहुत भारी पड़ता है, लेकिन भारत की न्याय प्रणाली पर लोगों की आस्था अभी भी बनी हुई है। न्याय प्रक्रिया में विलंब के कारण होने वाले अन्याय को दूर करने के लिए, न्यायिक सुधार लाने के लिए हम सबको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। मुझे ये जानकारी आप सबके साथ साझा करने में खुशी हो रही है कि लंबित मामलों का शीघ्रता से निपटारा करने के लिए कई उच्च न्यायालय प्रभावी कदम उठा रहे हैं। विलंब के अलावा एक और गंभीर समस्या ये है कि न्याय पाने के लिए जो गरीब मुवक्किल पैसा खर्च करता है और जिसके लिए पूरी प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वही इस प्रक्रिया के बारे में कुछ भी नहीं जान पाता। वह पूरी तरह से अपने वकील या अन्य लोगों पर आश्रित रहता है। निचली अदालतों में तो स्थानीय भाषाओं में काम होता है, लेकिन उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी में ही काम होने का चलन है। उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णयों और आदेशों की सत्य प्रतिलिपि का स्थानीय भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे आप सबको यह बताने में खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़, जहाँ पर हमारे यतीन्द्र सिंह जी हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों और आदेशों के साथ साथ उनके हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध कराने की नई शुरुआत कर दी है। अन्य कई उच्च न्यायालय भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अगले आगामी 2 या 3 महीनों में इन सबके सुखद परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जब देश की न्याय व्यवस्था से जुड़ेंगे तो जरूरतमंद और गरीबों को यथोचित न्याय उपलब्ध कराने में अपना योगदान देंगे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ के सभी विभागों के विद्यार्थी भी शिक्षा के साथ साथ यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों से मार्गदर्शन प्राप्त करके समाज और देश को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। मैं एक बार फिर इस स्मृति व्याख्यान के आयोजकों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।